उत्पादन मूल्य क्या है ये बताइए, क्यों बताइए? क्योंकि उत्पादन मूल्य के आधार पर यह तय होना चाहिए कि उस चीज की कीमत कितनी रहेगी, एमआरपी कितना रहेगा उसका। अभी 4 दिन पहले एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डली थी, वो ऐसी थी कि एक दवा, एक इंजेक्शन 5,224.73 रुपए की एमआरपी लिखी हुई है उस पर, और किसी मेडिकल वाले से अपने कार्यकर्ता ने कहा कि इस इंजेक्शन की मेरे को जरूरत है लेकिन ये बहुत कीमत दिख रही है इसकी। उसने बोला बाबूजी मैं ला के देता हूँ आपको, और उसने 300 रुपए में ला के दे दिया, जिस पर लिखा 5,224.73 है वो 300 रुपए में कैसे मिल गया, और 300 रुपए में कोई घाटा देके दे रहा है क्या? इसका मतलब यह कि एमआरपी कितनी लिखना है इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, और इसलिए जिसकी जो मर्जी हो वो लिख देते हैं। अगर मैंने ये कहा कि भाई ये 5,000 रुपए बहुत होते हैं तो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं मेरी ओर से आपको छूट दे देता हूँ, 4,000 में दे दो, तो फिर उसके बाद और कम कराने में हमको भी शर्म आएगी, हम 4,000 दे देंगे, मिलना कितने में चाहिए? 300 में मिलना चाहिए। और इसलिए जो बात एक कही गई है कि मूल्य, उत्पादन मूल्य क्या है ये बताया गया है, इसको लेकर हमें इस वर्ष व्यापक मात्रा में, व्यापक स्तर पे और प्रबुद्ध जन गोष्ठियों का आयोजन करना है। इन प्रबुद्ध जन गोष्ठियों में ये विषय, हमें बार बार ये विषय उठाना है, इस विषय पर व्यापक चर्चा करानी है हमें। उस चर्चा में से यह निष्कर्ष आना चाहिए कि आम समाज का यह मन बनना चाहिए कि एमआरपी लिखने की कोई पॉलिसी तय होना चाहिए, और वो जो पॉलिसी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर हो। यह मन समाज का अगर बनाना है हमें तो हमें व्यापक स्तर पर चर्चा चलाने की जरूरत है। इसलिए एक दो प्रबुद्धजन गोष्ठियों से काम नहीं चलेगा इसका, एक एक जिले में 50-50, 100-100 स्थानों पर और प्रबुद्ध जनों को एकत्रित कर रहा, सीए के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, वकीलों के बीच में, अन्य अन्य प्रोफेशन के जो लोग हैं उनमें, व्यापार जगत में, प्रत्येक जगत में हमें जाकर और ये विषय रखने पड़ेंगे हमें कि हमारी पॉलिसी किस प्रकार की हमें बनानी है। ये होने के बाद में फिर सरकार पर कोई हम दबाव बना सकते हैं कि भाई कोई पॉलिसी बने इसकी, जब पूरे देश भर में एक मन बन जाता है सबका तो फिर उस पर अगर काम होना चालू हो जाता है, और इसलिए इस पर करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो हम कहते हैं कि किसान से, किसान की उपज कितने में लेते हो आप? एक बार, एक 4-5 साल पहले की बात है, प्याज का उन्होंने बोला कि हम आपको 50 पैसे देंगे, 50 पैसे किलो में प्याज खरीदेंगे किसान से। तो किसानों ने कहा कि ठीक है, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्याज ढोल दिया और उस पर ट्रैक्टर घुमा दिया और चले गए। उसके बाद उसको साफ करने में 5 रुपए किलो के पैसे लग गए। ये 5 रुपए किलो अगर किसान को दे देते दे तो क्या बिगड़ जाता है? लेकिन किसान से अगर ज्यादा पैसे में लिया तो ग्राहक को महंगा मिलेगा, ये बोलकर किसान और ग्राहक को आमने सामने खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, जो पूरी तरह झूठ है। अगर कोई चीज है उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के लिए मजदूर लगते हैं, तो मजदूरों को ज्यादा पैसा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मजदूरों को पैसा ज्यादा दिया तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो ग्राहक को महंगा मिलेगा, ऐसा बताया जाता है। मजदूर और ग्राहक को आमने सामने खड़ा किया जाता है। सही स्थिति यह है क्या? तो सही ये नहीं है। सही क्या है? एक अखबार में एक दिन 6 कॉलम का समाचार छपा, उन्होंने कहा कि 2 रुपए किलो में ये सब्जी किसान से खरीदी जा रही थी। किसान को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरा तो भाड़ा भी नहीं निकल रहा है, उसने बोला मुझे नहीं बेचना है, उसने गायों को खिला दिया। और अगले उसके बाजू में एक फोटो दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि शाम को यही सब्जी मंडी में 40 रुपए किलो में मिल रही है। यानी किसान को आप 2 रुपए भी देने को तैयार नहीं हो और ग्राहक से 40 रुपए लेंगे, ये 38 रुपए का क्या खेल है तुम्हारा?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको लग रहा है कि ये 2 रुपए का है तो आप 10 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते, ये पॉलिसी होनी चाहिए। या अगर ग्राहक से 40 रुपए ले रहे हैं आप तो किसान को 10 रुपए देने में क्या बिगड़ गया आपका, ये बताइए। इसलिए ये खेल है, ऐसा छोड़ देने का विषय नहीं है ये। और ठीक है कि हम लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन हम उठा रहे हैं मतलब हम उठा रहे हैं। इस वर्ष हम ये स्थान स्थान पर ये आयोजन करके और स्थान स्थान पर प्रबुद्ध जनों को जोड़ते हुए और ये विषय समाज का विषय बन जाए और समाज इस विषय को उठाने लग जाए, ये अगर हमने कर लिया तो हम सफल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है।